खिचड़ी घोटाले के मेन किंगपिन और सूत्रधार स्वयं संजय राउत हैं, ऐसा मेरा मानना है। खिचड़ी चोरी हुई है वो संजय राउत ने ही की है और इसलिए वो खिचड़ी चोर है और ऐसे खिचड़ी चोर की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और ईडी को अपने जांच के दायरे बढ़ाते हुए संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। अपने परिवार के सदस्यों के नाम पे और पार्टनर के नाम पे लगभग 1 करोड़ का की दलाली ली है। खिचड़ी घोटाले के मेन किंगपिन और सूत्रधार स्वयं संजय राउत हैं, ऐसा मेरा मानना है। सहयाद्री रिफ्रेशमेंट नाम की एक कंपनी है जिस कंपनी के पार्टनर संजय राउत के पार्टनर हैं। उस कंपनी को 6,37,00,000 रुपए की खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उस कंपनी ने कंपनी को 33 रुपए में 300 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट था। उस कंपनी ने सब कॉन्ट्रैक्ट दिया एक दूसरी छोटी कंपनी को और 16 रुपए में 100 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने का सब कॉन्ट्रैक्ट दिया और उस कंपनी से संजय राउत ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पे और पार्टनर के नाम पे लगभग 1 करोड़ का की दलाली ली है। मुझे बड़ा दुख होता है, संजय राउत की बेटी का नाम इधर आ रहा है, उनकी बेटी मेरी बेटी की तरह है, मेरे मन में उसके प्रति बहुत सहानुभूति है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी बेटी को सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के जो पार्टनर हैं, जो घोटालेबाज हैं, उससे उसका कोई लेना देना, कभी देखा भी नहीं होगा, परिचय भी नहीं होगा, लेकिन उसकी बच्ची के अकाउंट में सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के अकाउंट से पैसे आते हैं। संजय राउत के भाई के अकाउंट में सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के अकाउंट से पैसे आते हैं और संजय राउत का पार्टनर जो पाटकर है उनके अकाउंट में भी सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के अकाउंट से पैसे आते हैं। हम प्रति पैकेट जो खिचड़ी चोरी हुई है वो संजय राउत ने ही की है और इसलिए वो खिचड़ी चोर है और ऐसे खिचड़ी चोर की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और ईडी को अपने जांच के दायरे बढ़ाते हुए संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। यही मुद्दा है, जब शिवसेना, उबाठा, कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस और एमवीए भ्रष्टाचार को बड़ा बड़ा मुद्दा बना करके लोगों के सामने जाती है, तब मुझे लगता है कि अपने क्षेत्र के तमाम मतदाताओं को मुझे बताना पड़ेगा कि जो उम्मीदवार शिवसेना उबाठा की तरफ से आया है वह उम्मीदवार अपने आप में खिचड़ी चोर है और घोटाले का अभियुक्त है, उसके खिलाफ छानबीन हो रही है, पता नहीं कब वो गिरफ्तार। घोटाले के मेन किंगपिन और सूत्रधार स्वयं संजय राउत हैं, ऐसा मेरा मानना है। खिचड़ी चोरी हुई है वो संजय राउत ने ही की है और इसलिए वो खिचड़ी चोर है और ऐसे खिचड़ी चोर की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और